बहुत समय पहले एक गांव में एक डाकिया था। वो बरसों से चिट्ठी बांटने का काम करता था, लेकिन उनके पास अचानक एक ऐसी चिट्ठी आया था जिसमें बिल्कुल नया पता लिखा हुआ था। उस पते पर उन्होंने आज तक कोई भी चिट्ठी नहीं भेजा था। उन्होंने सारे चिट्ठियां बांटने के बाद आखिर में उस नए पते पर पहुंच गए थे। तब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाकर कहा, डाकिया आया है, आपके लिए चिट्ठी है। तब अंदर से एक बच्ची की आवाज आई। उसने कहा, काका दरवाजे के नीचे से चिट्ठी को फेंक दीजिए। तब उस डाकिया साहब को थोड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने सोचा, मैंने इतना देर से आया और इस महारानी को दरवाजा खोलकर बाहर आने में भी कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने कहा, रजिस्टर में तुम्हें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, बाहर आओ। तब अंदर से आवाज आई, आती हूं। 5 मिनट से भी ज्यादा हो गया था, पर अंदर से कोई भी नहीं आया था। तब उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर जब घर का दरवाजा खुला तो फिर वो डाकिया बिल्कुल चुप ही रह गया था, क्योंकि वो बच्ची लगभग 12-13 साल की थी और उसकी दोनों पैर नहीं थी। तब उस डाकिया को मन ही मन ग्लानी होने लगा था। उन्होंने सोचा, मैं भी एक हूं, 5 मिनट इंतजार नहीं कर सका। उनके कुछ कहने से पहले ही उस बच्ची ने कहा था, माफ कीजिए काका, मेरे आने में बहुत देर हो गई। तब उसने हस्ताक्षर करके डाकिया साहब से चिट्ठी लेकर अपने घर चली गई थी। उसके 10-12 दिन गुजरने के बाद उसी पते पर और एक चिट्ठी आई थी। इस बार वो डाकिया वहां पर जाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक थे। तब वो डाकिया साहब ने घर के दरवाजे के पास जाकर कहा, चिट्ठी है और इसे मैं दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूं, दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है। पर तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे काका थोड़ा रुक जाइए, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद आ रही हूं। तब 2-3 मिनट बाद वो लड़की जब आई तो फिर डाकिया साहब ने देखा कि वो बच्ची उनके लिए एक तोहफा लाया है। तब डाकिया साहब ने कहा, अरे बेटा ये मेरे लिए क्यों? तब उस बच्ची ने कहा, ज्यादा कुछ मत बोलिए, इसे रख लीजिए, आप अपने दफ्तर जाकर इसे खोलिएगा। तब उस डाकिया ने बच्ची को उसकी चिट्ठी देकर वापस अपने दफ्तर पर आ गए थे। दफ्तर आकर जब उन्होंने वो तोहफे को खोला तो फिर उन्होंने देखा कि उसके अंदर चप्पलें थी। वो नंगे पैर चिट्ठी बांटते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उस बच्ची ने ध्यान दिया और अपने काका को चप्पलें भेंट किया। तब वो डाकिया की आंखें भर आया था, वो रो रहे थे। उन्होंने सोचा, उस बच्ची ने तो मुझे चप्पलें भेंट कर दिया है, पर मैं उसके लिए पैर कहां से लाऊंगा। और फिर से उन्हें वही बात याद आने लगा था जब वो 5 मिनट तक इंतजार नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी का सीख ये है कि आजकल के दिन में समवेदनाएं मर गए हैं। आज हम लोग इमोशनलेस हो गए हैं। बहुत जल्द हम लोग किसी के बारे में सिद्धांत लेने लगे हैं, लोगों के बारे में बोलने लगे हैं। हमें इमोशनलेस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इमोशन से ही ये दुनिया बड़ी सुंदर बनता है। अगर इमोशन ही खत्म हो जाएगा तो फिर किसी भी रिश्ते की मायने ही नहीं रह जाएगा। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।